गुड मॉर्निंग, राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होगी। मैं एकदम बढ़िया हूँ और सुबह का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। बड़े दिनों के बाद मैं बड़ा वीडियो बना रही हूँ। आप लोग मैसेज भी करने लगते हो कि प्लीज़ 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 आप बड़ा वीडियो डालिए। तो देखिए, आपकी फरमाइश को पूरा कर लिया। तो अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ, 7 बजे उठी हूँ मैं आज सो के। कल रात मैं सोई थी 1:30 बजे की तरफ। एक वेब सीरीज़ है वो देख रही थी, फर्जी, बहुत इंटरेस्ट आया। लास्ट एपिसोड रह गया है तो वो आज मैं दिन में कंप्लीट करूँगी। आप लोगों में से किस किस ने देखी है ये वाली सीरीज़ ज़रूर बताना, बहुत मस्त लगी मुझे वाकई में। तो जब तक मैं सो के उठी ना, तब तक देखिए मम्मी ने खाने की तैयारी कर ली है। तो सिंपल सी आलू की सब्जी बनेगी जो कि सजे ही बनाएंगी, क्योंकि आलू छोटे छोटे रहते हैं ना, तो उन्हें काटना क्या है, ऐसे ही बना दो और फटाफट से बन भी जाती है। तो इसीलिए आलू की सिंपल सी सब्जी बन रही है। और मेरे एक सब्सक्राइबर कह रही थी कि ससुराल में आलू ज़्यादा खाते थे आप। तो देखिए, ससुराल में सर्दियों के टाइम में थी, तो सर्दियों में सारी सब्जी आलू वाली ही होती है, जैसे कि आलू मटर, आलू गोभी, पत्ता गोभी, आलू, सेमी आलू, आलू गाजर, ये सारी सब्जी आलू के साथ में बनती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अभी जब घर पे जाऊँगी तब आप देख लेना आलू बन रहे हैं या फिर कुछ और बन रहा है। बाकी सबका अपने अपने घर का तरीका होता है। तो देखिए, बातों ही बातों में मम्मी ने सब्जी छौंक दी है। इधर मैं काट रही हूँ खरबूजा और पी रही हूँ ठंडी ठंडी सी लस्सी। सुबह की लस्सी का ना मुझे इंतज़ार रहता है कि मम्मी जल्दी से मुझे बना के दे, मुझे बहुत अच्छी लगती है गाइस लस्सी। चाय तो पीती नहीं हूँ तो इसीलिए लस्सी पी लेती हूँ, अच्छा लगता है। क्योंकि सुबह रहता है कि कुछ पीने को मिल जाए तो अच्छा लगेगा। और इधर खरबूजा जो है वो मैंने काट दिया है, और ये वाले जो खरबूजे होते हैं ना वो वाकई में बहुत ज़्यादा मीठे निकलते हैं। तो सब्जी जो है वो बन चुकी है, मैं बना देती हूँ रोटी। काम जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो सुबह ठंडे ठंडे में सारे काम से फ्री हो जाएं, अदरवाइज़ करने तो हमें ही है। दोपहर में गर्मी हो जाती है ना तो एक हाउसवाइफ के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और किचन में रह के काम करना तो बहुत मुश्किल होता है, गर्मी ही गर्मी लगती है किचन में, क्योंकि खाना बनाते टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बर्तन वर्तन धुलते टाइम तो फिर भी अच्छा लगता है, और सर्दियों में खाना बनाने में अच्छा लगता है और बर्तन धुलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है ठंडे ठंडे पानी से। तो देखिए, रोटियां जो हैं वो मैंने बना के रख दी हैं। अभी बोतल वगैरह जो भी खा रही थी उनको भर के रखा, बर्फ़ जमाई मैंने। उसके बाद पहले धुलूंगी बर्तन। और मैं कर रही हूँ किसी से बात, किससे कर रही हूँ ये तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट कोई ना कोई तो होगा। तो पहले बर्तन धुलती हूँ, उसके बाद करूँगी किचन की क्लीनिंग। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी सारी साफ़ सफाई हो जाती है। कम से कम लगते होंगे 15 से 20 मिनट। और गाइज, मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगती है आजकल, मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे इस टाइम पे पानी पीना चाहिए बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतनी गर्मी आपको कम लगेगी और तबीयत भी कम ख़राब होगी। इस टाइम पे तो बस पानी ज़्यादा पियो, खाना जो है वो कम खाओ, क्योंकि ज़्यादा खाना खा लेते हैं बाहर का उल्टा सीधा खा लेते हैं। मेरे ही साथ हुआ है कि जब भी मैंने कुछ बाहर का खाया या घर पे कुछ उल्टा सीधा बनाया है तो मेरे पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि इस टाइम पर ये सब चीज़ें हमें कम खानी चाहिए। तो देखिए, हमारी जो किचन की क्लीनिंग है वो सारी हो चुकी है। अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने के लिए। सो गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी जा रही हूँ मैं मंदिर, जल चढ़ा के आते हैं। तो चलो चलते हैं। आन्या आ जाओ। तो ना, मंदिर के ही बाहर छोटा सा पेड़ लगा है समी पत्र का, तो वो ले लेती हूँ मैं। बाकी बेलपत्री और फूल नहीं मिलते हैं, तो जो मिलता है वही चढ़ाती हूँ। ससुराल में तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये जो वीडियो है ना वो मेरी अन्नू रिकॉर्ड कर रही है। अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो उसको पता चल रहा है कैसे मम्मा वीडियो बनाती है, बट फिर भी अच्छे से बनाती है। और पूजा करने का तरीका देखो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना। सो गाइस, पूजा करके मंदिर से आ चुकी हूँ मैं। धूप आजकल बहुत ज़्यादा तेज पड़ रही है। मंदिर से आने के बाद ना लगता है फटाफट से थोड़ी देर लेट जाऊँ पंखे की हवा में और ठंडा ठंडा पानी पी लूँ मैं। तो
अभी मैंने लगा दिया है रायते में तड़का। मम्मी ने ना मट्ठे में बूंदी पहले से ही भिगो के रख दी थी ताकि वो फूल जाए, तो मंदिर से आने के बाद में मैंने लगा दिया है इसमें तड़का। इन दिनों रायता और कोई किसी भी चीज़ का रायता खाओ, अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, और छाछ भी पी लो तो वो भी अच्छा रहता है। चाय बिल्कुल नहीं पीनी है इस टाइम पे, बट कुछ लोग होते हैं चाय पिए बिना गुजारा नहीं होता है, जैसे कि मेरी मम्मी। अगर वो चाय ना पिए तो उनके सिर में होता है दर्द, चाहे गर्मी कितनी भी ज़्यादा हो। तभी मैंने थाली लगा ली है आने और मैं साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। कपड़े जो हैं वो मम्मी जैसे ही नहा के आती हैं कपड़े सूख जाते हैं, तब तक मम्मी उठा लेती हैं, क्योंकि धूप में ज़्यादा देर तक कपड़े बिल्कुल नहीं रखती हैं मम्मी। मैं थोड़ा सा आलस भी कर जाती हूँ अपने घर पे, बट मम्मी बिल्कुल भी आलस नहीं करती हैं। जैसे ही कपड़े सूखते हैं ना फटाफट से उठा लेती हैं, तो इन कपड़ों को फटाफट से फोल्ड कर देती हूँ। इतने गर्म कपड़े रहते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। सर्दियों में हम लोग ऐसे कपड़े पहनने के लिए तरसते हैं कि इतने गर्म गर्म कपड़े मिले अच्छा लगेगा। और अभी मैं और मम्मी कर रहे हैं ढेर सारी बातें, हमारी बातें तो चलती रहती हैं, और आन्या उधर खेल रही हैं। उनका जो बातें रहती हैं ना आन्या की, वो तो एकदम अलग ही वाली रहती हैं। तो कपड़े फोल्ड करने के बाद में याद आया कि मुझे खरबूजा रखा हुआ है, और गाइस इतना मीठा निकला है ना ये वाला खरबूजा, मैं क्या बताऊँ। और आन्या को खरबूजा अच्छा ही नहीं लगता है, उसी को बुला रही थी मैं कि आके खा लो, बट उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं पसंद है। तो अभी मम्मी बना रही हैं सिकंजी। सुबह बना देती हैं लस्सी, शाम को सिकंजी। बाकी मम्मी तो चाय पीती हैं, उनका चाय पिए बिना गुजारा नहीं होता है, किसी किसी की आदत होती है। सो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ छत पे, बहुत दिनों के बाद आज मैं छत पे आई हूँ, और नीचे इतनी गर्मी नहीं समझ में आती है, अंदर रहो बाहर आके पता चलता है कि कितनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हालत ख़राब है, बाहर निकलना ही नहीं है इस टाइम बिल्कुल भी। दोपहर के टाइम निकल जाओ तो मरते ही मरते बचो। वाकई में उस दिन मैं गई हूँ ना, तो मुझे ये चीज़ पता है, मैं बाइक से थी लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई, सच बता रही हूँ मैं। तो आन्या जो है वो सो रही हैं, मैंने सोचा मैं अकेली घूम के आ जाती हूँ, मम्मी भी आई हैं वैसे। तो आप लोगों के एक कमेंट का रिप्लाई करना है मुझे, कई लोग मैसेज करते हैं आप लोग आप अपने घर कब जाओगे, कई लोग तो नहीं एक लोग ज़्यादा मुझे कमेंट करते हैं कि आप अपने घर कब जाओगे। हालांकि मैंने उनके मैसेज का रिप्लाई भी किया है, बट ब्लॉग में मैं दोबारा बोल रही हूँ। सबसे पहले तो बता देती हूँ घर कब जाऊँगी ताकि उनकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए। तो मैं अपने घर पे जाऊँगी 15 जून तक चली जाऊँगी, 17 को आन्या का बर्थडे है तो वहीं जाके सेलिब्रेट करूँगी, तो इसीलिए 15 तक मैं चली जाऊँगी। और आप इतनी ज़्यादा कमेंट करते हो ना कि घर कब जाओगे घर कब जाओगे। भाई कोई अगर आप यहाँ पे आया है, वैसे भी बहुत दिनों के बाद आई हूँ मैं, डेली डेली आना हो नहीं पाएगा, अभी साल बाद ही आ पाऊँगी, और डेली डेली एक ही कमेंट घर कब जाओगे घर कब जाओगे घर कब जाओगे, तो इरिटेट हो जाता है कोई भी इंसान। तो मैंने बोल ही दिया उनको कि आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे यहाँ रहने से, तब से उनका कोई कमेंट नहीं आया है। मुझे पता है गुस्सा हुए होंगे, जाहिर सी बात है, बट आप लोग बताइए इस टाइप के कमेंट करना अच्छी बात है कि नहीं, ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए वैसे किसी को भी कि घर कब जाओगे। सबके अपनी पर्सनल लाइफ है भाई, हम लोग घूमने आए हैं मायके में, बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, फिर डेली डेली आना नहीं हो पाता है, सिर्फ मई जून ऐसा होता है कि हाँ बच्चों को लेके कहीं पे भी जा सकते हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो थोड़े दिन रह रही हूँ, वैसे भी 15 तारीख तक तो मैं चली जाऊँगी, फिर देखो मेरा कब आना हो मुझे खुद भी नहीं पता वाकई में। तो आई होप अब आप दोबारा से ना इस टाइप के कमेंट जो है वो नहीं करोगे। तो ठंडा मौसम तो यहाँ बिल्कुल लग ही नहीं रहा है मुझे वाकई में, बहुत ज़्यादा गर्म गर्म लग रहा है, इससे अच्छा तो नीचे लग रहा था मुझे। तो छत से आने के बाद में मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए चाय, थोड़ी सी बनाऊँगी सिर्फ मम्मी के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सिकंजी जो है वो पी ली है। तो चावल रखे हुए थे कल वाले, तो मैंने सोचा उन चावल को फ्राई कर लेती हूँ, तो आने को खाने थे घी वाले चावल, तो थोड़ा सा घी और जीरे से मैं कर रही हूँ चावल को फ्राई। और सब्जी रखी हुई है, रायता भी रखा है, तो चावल से खा लूँगी अच्छा लगेगा। बाकी चावल थोड़े से ही थे मेरे और आन्या के लायक, तो इसीलिए खाना खाने के बाद में मैं बना रही हूँ रोटी मम्मी और भाई के लिए। तो मैंने ना गैस की साफ़ सफाई कर दी थी, बर्तन मैं ही धुलने के लिए जा रही थी, बट मम्मी बोली मैं धुल दूंगी,
तो इसीलिए मम्मी बर्तन धुल रही हैं और मेरे पास कोई भी काम नहीं है, सारे काम से मैं तो फ्री हो चुकी हूँ एकदम। सो गाइस, काम वाम से सारा काम हो चुका है, फ्री है एकदम, और मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। पहले अन्य को नहलाऊंगी, सोने से पहले अगर नहा लो ना ठंडे ठंडे पानी से तो नींद बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। गर्मी ने तो बिल्कुल सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है वाकई में। लेकिन ये है, यहाँ लाइट 24 घंटे चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो चलिए भाई, ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे कुछ अच्छा बना के दिखाना, तो क्या अच्छा बना के दिखाऊँ आप लोग मुझे खुद बता देना। बाकी जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं वो सारा कुछ अनहेल्दी है, इतनी गर्मी में ऑयली मैदा की सब चीज़ें बड़ी नुकसान करती हैं, और आने की वजह से ना मुझे सोचना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ बनाऊंगी, क्योंकि फिर वो परेशान होगी। कोई भी चीज़, कोई भी बच्चा हो घर में, अगर अच्छी चीज़ बन रही है तो मन करता है खाने का, और आने को कोशिश करती हूँ कम से कम दो, दे देती हूँ ऐसा नहीं है बट कम से कम देती हूँ ताकि वो सही रहे एकदम। तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी, बाकी ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी, राम राम जी सभी को।